इस बीच उपचुनाव से ही जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर आ रही है। खेवसर और मंडावा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर तय कर दिए गए हैं। हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी का नाम यहां पर फाइनल किया गया है, यानी दोनों सीटों के लिए नाम फाइनल कर दिए गए। हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी का नाम फाइनल है, कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि औपचारिक घोषणा का इंतजार यहां पर किया जा रहा है, लेकिन नाम तय है। खेवसर और मंडावा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार तय है। हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी, ये दो नाम फाइनल कर दिए गए हैं दोनों सीटों के लिए। खेवसर और मंडावा उपचुनाव के लिए कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इंतजार औपचारिक घोषणा को लेकर हो रहा है, लेकिन नाम लगभग तय है, बस इंतजार है तो औपचारिक ऐलान करने का। हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर तय कर दिए गए हैं, नाम फाइनल हो चुका है दोनों सीट के लिए, इंतजार है तो औपचारिक ऐलान का। 21 तारीख को वोटिंग होनी है, 21 अक्टूबर, उससे पहले नामों को लेकर जिस तरह से मंथन का दौर भी चला, लेकिन इन दोनों नामों को लेकर फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि ये दो नाम यहां से तय हो सकते हैं और लगभग इन नामों को फाइनल माना जा रहा है। बस इंतजार है तो औपचारिक घोषणा का, जो कुछ ही देर बाद कर दी जाएगी। हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी, खेवसर और मंडावा सीट, दोनों सीट पर 21 तारीख उपचुनाव होना है। एक तरफ नारायण बेनीवाल आरएलपी के उम्मीदवार हैं खेवसर से, तो इधर कांग्रेस की तरफ से भी नाम फाइनल कर दिए गए हैं। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नरेश, दोनों ही नाम लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं, हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी, कब तक होगा औपचारिक ऐलान? जी बिल्कुल, देखिए दोनों नाम है वो लगभग तय हो चुके हैं और AICC के द्वारा औपचारिक घोषणा होने वाली है। मुश्किल से अगले कुछ मिनटों में जो है वो नाम घोषित हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों ही जो उम्मीदवार हैं उनको संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं। दोनों ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और आज BCC में जब सचिन पायलट से जब हमने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बस कुछ इंतजार करिए आप और जल्द ही औपचारिक जो घोषणा है वो हो जाएगी। तो अब इंतजार इस बात पर किया जा रहा है क्योंकि देखिए विधानसभा जो चुनाव होते हैं, उपचुनाव की बात करें तो इस उम्मीदवार की घोषणा AICC के स्तर पे होती है, BCC के स्तर पे नहीं होती। तो जो घोषणा है वो औपचारिक रूप से वो दिल्ली से होगी, हालांकि नाम वही फाइनल होते हैं जो BCC द्वारा भेजे जाते हैं और ऐसे में इन दोनों के जो नाम भेजे गए थे और दोनों ही जो उम्मीदवार है ये अपने क्षेत्र में पहले से सक्रिय हो चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं, कल से प्रचार भी शुरू कर दिया था और अब कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं हम कि AICC द्वारा औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में ऐलान कर दिया जाएगा खेवसर और मंडावा उपचुनाव से कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर तय हैं। हरेंद्र मिर्धा और रीटा चौधरी का नाम फाइनल है, इंतजार है तो ऐलान का, और कुछ ही मिनटों बाद इंतजार खत्म हो जाएगा जब औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।